हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो आज हम जानेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है तो ये इंटरव्यू में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों तो फर्स्ट हम जानेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या डिफरेंस होता है तो ऑन द बेस ऑफ द नेटवर्क नेटवर्क के बेसिस पे डिफाइन किया गया जो पावर ट्रांसफार्मर इट इज़ यूज इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ हायर वोल्टेजेस वाइल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इट इज़ यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर द लोअर वोल्टेजेस तो मतलब ये होगा कि पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं वो वहाँ जहाँ पे हायर वोल्टेजेस होती है उस पर यूज़ होते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होंगे वो लोअर वोल्टेज uh, में यूज़ होंगे जैसे हमारे घर पे जो सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगे होते हैं जिसके थ्रू हमारे घर में सप्लाई आती है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एबिलिटी ऑफ रेटिंग्स पे तो जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग्स है फोर हंड्रेड किलो वोल्ट टू हंड्रेड किलो वोल्ट वन हंड्रेड टेन किलो वोल्ट सिक्सटी सिक्स किलो वोल्ट एंड थर्टी थ्री किलो वोल्ट वाइल इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इट इज एलेवन किलो वोल्ट सिक्स पॉइंट सिक्स किलो वोल्ट थ्री पॉइंट थ्री किलो वोल्ट फोर फोर्टी वोल्ट और टू थर्टी वोल्ट तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि घर में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से ही थ्रू आती है तो हमारे सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट होती है नेक्स्ट है मैक्सिमम रेटिंग ऑफ यूजेस तो मैक्सिमम रेटिंग ऑफ यूजेस पे हम बात करते हैं बेसिस पे तो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं आर यूज फॉर रेटिंग एवव टू हंड्रेड एम वी है वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर रेटिंग लेस देन टू हंड्रेड एम वी है तो एव टू हंड्रेड एम बी है पावर ट्रांसफार्मर अब बिलो टू हंड्रेड एम बी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज द पावर ट्रांसफार्मर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर की साइज़ क्या होती है वो बहुत बड़ी होती है लार्जर होती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्मॉलर इन साइज नेक्स्ट पॉइंट design efficiency so in the design for maximum efficiency of power transformer is 100 percent so power transformer efficiency will 100 percent while on the basis of design distribution transformer efficiency is 50 to 70 percent next point is the efficiency formula on the basis of efficiency formula so power transformer efficiency is measured as the ratio of the output to the input. So, efficiency we have to calculate that efficiency is equal to output by input in the power transformer. While in the case of distribution transformer, here all the efficiency is considered. So, it is the ratio of output in kilowatt hour or watt hour to the input of kilowatt hour or watt hour of a transformer for a 24 hours so this is the efficiency formula for distribution transformer next point is considering time so on the basis of con considering time power transformer it is independent of time while distribution transformer it is dependent time dependent next point is application on the basis of application पावर ट्रांसफार्मर यूज इन जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सब स्टेशन स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था पावर ट्रांसफार्मर कहाँ होता है जनरली आपके जो ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं तो ये ही बात है जो पावर ट्रांसफार्मर होंगे वो जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सब स्टेशन में होंगे वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होंगे इट इज़ यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक परपजेस नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस Uh, power transformer has copper and iron losses take place throughout the day while in distribution transformer iron losses take place for 24 hours and copper losses are based on the load cycle next is the uh, load fluctuation so basis of the load fluctuation power transformer uh, the power transformer the load fluctuation are very less वाइल इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड फ्लक्चुएशन आर वेरी हाई तो पावर ट्रांसफार्मर जो लोड फ्लक्चुएशन होंगे वो क्या होंगे बहुत कम होंगे क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर वो जनरेटिंग स्टेशन की साइड पे लगा होता है अगर लोड फ्लक्चुएट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा इसलिए हमारे पावर ट्रांसफार्मर जो होंगे वो आपके फ्लक्चुएशन जो होती है लोड की वो बहुत कम होती है नेक्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन सो पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑपरेटेड एट फुल लोड वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर operated at load less than full load as load cycle fluctuates next point is flux density so in the power transformer flux density is higher while uh, in the distribution transformer uh, as compared to the power transformer the flux density is lower in distribution transformer so flux density is higher up to power transformer ki और डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कम होगी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज पावर ट्रांसफार्मर यूज इन स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज एज एन एंड यूजर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी सो जो पावर ट्रांसफार्मर होंगे वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करेंगे वोल्टेज को लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होंगे यूज जनरली एंड यूजर कनेक्टिविटी के लिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिफरेंसेस। सो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल थैंक यू वेरी मच